नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका आज के राशिफल। दर्शकों, पंचांग के अनुसार आज 1 मार्च 2022 को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इस दिन चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज के दिन भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। कर्म क्षेत्र में अनुभवी और विद्वान लोगों से काफी महत्वपूर्ण सलाह मिलेगी जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक साबित होगी। थोक के व्यापारियों को अधिक संघर्ष करना होगा, साथ ही आर्थिक आशा कम ही रखनी चाहिए। युवा वर्ग इधर उधर की बातों पर फोकस ना करते हुए करियर पर ध्यान दे तो वहीं आज क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। और आज आपका भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 1। वृष राशि वाले आज के दिन भाग्य वृद्धि के लिए भोलेनाथ को रसीली मिठाई का भोग लगाएं। व्यापारियों को गैर कानूनी रास्तों का चुनाव करने से बचना चाहिए। यदि कोई सरकारी धन बकाया है तो उस मामले को भी जल्द ही समाप्त करना होगा। परीक्षा में कठोर परिश्रम के बाद ही सफलता हाथ लगने की संभावना है। घर में कोई इलेक्ट्रिक वस्तु खरीद सकते हैं, इसके लिए समय उपयुक्त है। और आज आपका भाग्यशाली रंग है सफेद और भाग्यशाली अंक है 5। तो वही मिथुन राशि वाले आज के दिन जो लोग किसी कंपनियों में जॉब करते हैं उन पर कार्यभार अधिक रहने वाला है। बॉस भी आपके कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। कपड़ों के व्यापारियों के लिए दिन आज बेहद अच्छा है। घर की महिलाओं पर कार्यों का अधिक भार रहेगा। वहीं दूसरी ओर कोई तंज कसे तो उनकी बातों को दिल तक ना ले जाएं। हेल्थ में चोट चपेट लगने की आशंका है। यदि अपने दिल की बात कहने जा रहे हैं तो स्थितियों को देखते हुए ही बात करनी चाहिए। और आज आपका भाग्यशाली रंग है सफेद और भाग्यशाली अंक है 3। कर्क राशि वाले आज के दिन आप मानसिक रूप से दुविधा में रहने वाले हैं। इसके लिए शंकर भगवान पर दूध का अभिषेक करें। ऑफिशियल कार्यों को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा। काम के प्रति समर्पित भी होंगे जिसका फल भविष्य में अवश्य मिलेगा। व्यापारी वर्ग धन अर्जित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनको पार्टनर से ज़्यादा उम्मीद रखना निराशा का कारण बन सकता है। सेहत में आंखों के रोगों के प्रति सचेत रहें। घर का तनाव परेशान कर सकता है। जीवन साथी के साथ भी मतभेद होने की आशंका है। और आज आपका भाग्यशाली रंग है बादामी और भाग्यशाली अंक है 9। तो वहीं सिंह राशि वाले आज के दिन शुरुआत भगवान शंकर और मां पार्वती के श्रृंगार से करें। साथ ही उन्हें फलों का भोग भी लगा सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोग कार्यों को आसानी से कर पाने में सफल होंगे, लेकिन ध्यान रहे कार्यों को करने में लापरवाही भारी पड़ सकती है। व्यापारियों को आज बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ में आज डायबिटीज के रोगी सतर्क रहें। परिवार में सभी के साथ सौम्य व्यवहार रखें। बिगड़े स्वभाव को देखते हुए परिवार के साथ विवाद होने की आशंका है। और आज आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों में आज के दिन आपके भीतर नई शक्ति और ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। ऑफिस में जो लोग उच्च पद पर हैं उन्हें आज सचेत रहना चाहिए। किन्हीं कारणों के चलते अधीनस्थों से वाद विवाद हो सकता है। सेहत की बात करें तो आज विशेष तौर पर पुराने रोगों के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य में आपके द्वारा की गई लापरवाही पुनः परेशानी का कारण बन सकती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर सपरिवार मिलकर भजन कीर्तन करें। और आज आपका भाग्यशाली रंग है ग्रीन और भाग्यशाली अंक है 8। तुला राशि वाले आज के दिन भोले बाबा का पंचामृत से अभिषेक करें और इत्र भी लगाएं। ऑफिस में बॉस की ओर से आपको सराहना मिलेगी, जिससे सभी के सामने आपका रुतबा भी बढ़ेगा। पेंडिंग कार्य भी पूरे होंगे। व्यापार से जुड़े लोगों का समय उत्तम रहेगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए समय उपयुक्त है। अच्छे ऑफर देकर आप लाइमलाइट में आ सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो आज कान से संबंधित परेशानियों को अनदेखा ना करें। कोई समस्या पहले से ही चल रही है तो डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। आज आपका भाग्यशाली रंग है गुलाबी और भाग्यशाली अंक है 5। वृश्चिक राशि वाले आज के दिन शिव पर जल अभिषेक करने के साथ ही शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। नौकरी पेशे से जुड़े लोगों को कार्य को पूर्ण करने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। अनाज और जनरल स्टोर से जुड़े व्यापारियों को मुनाफा मिलने की पूरी संभावना है। व्यापार में प्रगति और विस्तार होगा तो वहीं पुरानी समस्याओं का रास्ता खोज पाने में भी सफल रहेंगे। युवा वर्ग करियर को लेकर नए मार्ग खोजें। नशा करने वाले सचेत हो जाएं तो वहीं लगातार इसका सेवन आपको बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है। और इसके साथ आज आपका भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 2। धनु राशि वाले आज के दिन महादेव को चंदन के तिलक से शुभोषित करें और पंजीरी का भोग लगाएं। इसके अतिरिक्त मंदिर में दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। ऑफिशियल कार्य में आपका परफेक्शन अहंकार का रूप ना लेने पर आप इस पर ध्यान दें। सहयोगियों पर बेवजह का हुक्म ना दिखाएं। छोटा कारोबार करने वालों को लाभ मिलने की संभावना है। जिन लोगों के हृदय से संबंधित दिक्कतें हैं उनको आज सचेत रहने की आवश्यकता है।
आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है एक। मकर राशि वाले आज के दिन प्रभु शिव को बागम्बर और माता पार्वती को चुनरी भेंट करें। ऑफिस के सिलसिले में यदि कोई विशेष कार्य से जाना पड़े तो आनंद के साथ जाना चाहिए। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ विशेष भविष्य की योजनाएं बन सकती हैं। घर में बड़े आज किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। घरेलू वातावरण को हल्का रखें। भाग्यशाली रंग है आपका आसमानी और भाग्यशाली अंक है छः। कुंभ राशि वालों को आज के दिन घर के मंदिर को सुसज्जित करना चाहिए। साथ ही महादेव को ठंडाई का भोग लगाना उत्तम रहेगा। ऑफिशियल कार्य में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर कर बॉस को प्रसन्न करना होगा और साथ ही बॉस के बताए गए कार्य को प्राथमिकता भी देनी होगी। छोटे व्यापारियों को कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा। हेल्थ में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है इसीलिए इस और सचेत रहें। तो वहीं ऑयली भोजन से दूरी बनाए रखें। घर का वातावरण अच्छा रहेगा। मित्रों के साथ आनंदमय समय व्यतीत होगा। और इसी के साथ आज आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। अब बात आती है सबसे आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भोलेनाथ को मेवे और खीर का भोग लगाएं। ऑफिशियल कार्यों में अच्छे मैनेजमेंट को देखते हुए उच्च अधिकारी आपकी प्रसन्नता करेंगे। छोटे व्यापारी सरकार द्वारा बताए गए नियमों का कठोरता से पालन करें। युवाओं को कला जगत में फोकस करना चाहिए। कहीं से अच्छा ऑफर आपको आज मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो खान पान को ठीक करें अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। और इसके साथ आज आपका लकी कलर है केसरिया और लकी नंबर है 4। तो दर्शकों ये तो था आज का राशिफल, लेकिन आपका हर एक दिन कैसा बीतेगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। शुक्रिया।